पैन को आधार से लिंक करवाना जरूरी है, नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। कभी बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है, वरना आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। कभी मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करवाओ और कभी अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर के साथ लिंक करवाओ। गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया लोगों के माइंड में कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि किसके साथ क्या कराना है, लिंक कैसे कराना है, कब कराना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इसी बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब, आपके सारे डाउट्स और आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो के जरिए क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगा घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक, और दूसरा है बैंक अकाउंट आधार कार्ड लिंक, तीसरा है मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक, और चौथा है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको शायद थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन हो गई होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि दोनों का मतलब एक है, मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना और आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करना एक ही बात है, शायद आपको ऐसा लगा होगा। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, दोनों का मतलब अलग है, दोनों का तरीका अलग है करने का लिंक। तो इस वीडियो में मैं आखिरी में आपको वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है और 31 दिसंबर 2017 इसकी लास्ट डेट है। इसकी लास्ट डेट पहले 31 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया गया है। और दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना तो आप, जब तक आपका आधार कार्ड नहीं होगा तब तक आप अपना नया पैन कार्ड नहीं बनवा सकते, और अगर आपका पैन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको उसको आधार कार्ड से लिंक करवाना ही पड़ेगा। दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कैसे करना है, इस बारे में, इस टॉपिक पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको अपने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कैसे करना है। अगली बारी आती है बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट को भी आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है और इसकी आखिरी डेट 31 दिसंबर 2017 की है। दोस्तों, इसके दो तरीके होते हैं, एक ऑफलाइन तरीका होता है और एक ऑनलाइन तरीका होता है। ऑफलाइन तरीका में आपको बैंक में, अपनी बैंक ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ, और उसके बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म आपको फिलअप करना है और उसके बाद EKYC के थ्रू आपको अपना अपना फिंगरप्रिंट देना होगा। दोस्तों, अगली बारी आती है ऑनलाइन तरीके की। ऑनलाइन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो लोग बैंक का नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर रहे थे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते तो आप ऑनलाइन तरीके से अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जोड़ना दोनों अलग 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 हैं, दोनों इनका मतलब एक नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को आप कैसे जोड़ सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं दो टॉपिक्स पे लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। कोई अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करवा लेता है तो वो सोचता है कि मेरा सिम कार्ड के, मेरे जो मोबाइल नंबर के साथ भी आधार कार्ड लिंक हो गया, और कोई मोबाइल नंबर के साथ अपना आधार लिंक कर लेता तो वो सोचता है कि मेरा आधार कार्ड के साथ भी मोबाइल नंबर लिंक हो गया। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों की प्रक्रिया अलग है और दोनों को आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपना मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड लिंक कैसे करना है, या फिर दूसरी भाषा में इसको ये भी कह सकते हैं कि अपने मोबाइल नंबर के साथ आपको आधार कार्ड कैसे जोड़ना है, कैसे लिंक करना है। तो दोस्तों, अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर के साथ लिंक करने के लिए आपको किसी भी रिचार्ज की दुकान पर आप जा सकते हैं जो आपके घर के पास हो, या फिर जिस कंपनी का आप सिम यूज करते हैं आप उसके रिलेशनशिप ऑफिस पर भी जा सकते हैं, रिटेल आउटलेट पर भी आप जा सकते हैं, और वहां पे आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद आपके बायोमेट्रिक डिवाइस पे फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और आपका नंबर रीवेरीफाई हो जाएगा। और दोस्तों, हर कंपनी का प्रोसेस अलग है और जिस कंपनी का आप सिम कार्ड यूज करते हैं आपको उसी कंपनी के रिटेल आउटलेट पर जाना पड़ेगा, और या फिर आप किसी भी मोबाइल शॉप पर जाएंगे तो वहां पे तकरीबन हर सिम कार्ड का रीवेरीफाई कर दिया जाता है। और इस बारे में आपको इस चैनल में काफी वीडियोस मिल जाएंगी, एयरटेल, आइडिया, वोडा, जियो, तकरीबन हर कंपनी की आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी जिसकी
प्लेलिस्ट की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको इस वीडियो के एंड पे भी उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप जिस भी कंपनी का सिम चलाते हैं उसके बारे में डिटेल आप उस वीडियो को देख के ले सकते हैं। अब बात करते हैं आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर को कैसे जोड़ना है। दोस्तों, इसके लिए आपको जो गवर्नमेंट ने आधार सेंटर्स बनाए हैं, आपको अपने आधार सेंटर्स पर जाना पड़ेगा अपना एरिया के जो आपके आसपास हो, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर अपने साथ। और दोस्तों, वहां जाने के बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने अगर अपना मोबाइल नंबर उस आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना है तो आपको उस पर अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद आपके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स लेके उसको एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया जाएगा और कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर आपकी सारी डिटेल्स, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ ऐड हो जाएगा। दोस्तों, इसका एक और ऑप्शन भी है कि आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर भी जा सकते हैं, CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर। दोस्तों, ये भी गवर्नमेंट की डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत कुछ प्राइवेट रिटेल आउटलेट्स को ये सुविधा दी गई है कि वो आपके फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते हैं, आपकी आधार कार्ड पे कोई भी डिटेल अपडेट कर सकते हैं जब आप चाहें। बट दोस्तों, जो आधार सेंटर पे आप जाएंगे उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, और अगर आप किसी CSE सेंटर जाएंगे तो आपको 25-30 रुपये उसके लिए पे करना पड़ सकता है, जो कि एक नॉमिनल चार्जेस है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो में अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं आधार कार्ड के बारे में या उससे रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स पे भी पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।